सीधी में 7 आदिवासी छात्राओं से दरिंदगी के मामले में मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कॉलरशिप के नाम पर आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। घटना पर सरकार ने जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवाल सीधे इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। इधर कार्रवाई के बाद अपर कलेक्टर ने घटना पर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अर्जी नंबर है 294, इस पर ये अतिक्रमण था। ये अतिक्रमण करता है, उनका नाम ब्रजेश प्रजापति, पिता दजुल्ला प्रजापति। अभिलेखों में शासकीय जो अभिलेख है उनको भी देखा गया शासकीय भूमि में, और ये अतिक्रमण हटाया गया। और इनके विरुद्ध जो और चार्जेज हैं, जो कृत्य इन्होंने किया है उसको लेकर के जो कार्रवाई है लगातार चल रही है, और पूरा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो दुष्कृत्य करते हैं उनको अधिक से अधिक सजा हो और उनको एक सबक रहे, दूसरे लोग भी इससे। बता दें कि बीते दिन घटना पर पूर्व सीएम कमलनाथ और जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेरा था। आरोपियों ने स्कॉलरशिप का झांसा देकर कई कॉलेज छात्राओं को अपने जाल में फंसाया था। आरोपी वॉइस चेंजिंग ऐप के जरिए महिला की आवाज में बात करते थे और फिर सुनसान जगह पर कागजात लेकर छात्राओं को बुलाते थे, जिसके बाद वो छात्राओं से दरिंदगी करते। फिलहाल पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर प्रशासन ने आरोपियों के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच के लिए मोहन सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है। फिलहाल इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।